वैसे तो किसी भी चुनाव में जीत का श्रेय किसी अकेले शख्स को नहीं दिया जा सकता, लेकिन जन से मराठी मानुष सुनील देवधर पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी का वो चेहरा है जिसने खुद ना तो कभी चुनाव लड़ा और ना ही खुद को कभी समाचारों में रखा। मगर त्रिपुरा में 25 सालों की वाम सरकार को चुनौती देने और उससे सत्ता छीन लेने का सहरा भारतीय जनता पार्टी सुनील देवधर के सर पर ही बांधती है। ये न सिर्फ मेघालय और त्रिपुरा में सक्रिय रहे बल्कि पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में संघ यानी आरएसएस के प्रचारक के रूप में सक्रिय रहे। सुनील देवधर का सबसे मजबूत पक्ष रहा निचले स्तर पर कार्यकर्ताओं को ढूंढना और उन्हें पार्टी में अहमियत देना। वहीं सुनील देवधर खुद बताते हैं कि पूर्वोत्तर भारत का दौरा करते हुए वो कांग्रेस के कई नेताओं से मिले जिनको उन्होंने पार्टी में शामिल किया और फिर बारी आई नाराज मार्क्सवादी नेताओं की। इस तरह उन्होंने संगठन को न सिर्फ फैलाया बल्कि वहाँ पर मजबूत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, नवोदया टाइम्स।